हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिशाल यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसरो की तरफ से बिग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। 550 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब होगी इसरो, हम सभी जानते हैं। और सैलरी, क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है तो गवर्नमेंट की पे स्केल ऑफर हो रही है। ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल से कहीं से भी एप्लीकेशन कर सकते हैं और मल्टीपल जॉब लोकेशन है। बाकी की सभी डिटेल्स आगे हम वीडियो में कवर करेंगे। इसरो हम सब जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इसरो। तो ये इसकी ऑफिशियल मेन वेबसाइट है, आप देख सकेंगे। तो यहां से ही एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें करियर सेक्शन में आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स क्या है। तो इसरो जैसे संगठन से, अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का यह संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना सभी का ड्रीम जॉब रहता है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करनी चाहिए। तो आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज क्राइटेरिया वगैरह चेक करें, अगर सुटेबल है आपके लिए तो बिल्कुल जरूर एप्लीकेशन करें। बाकी की डिटेल कुछ इस तरीके से, 28 दिसंबर 2022, 20 दिसंबर 2022 की डेट से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट्स, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट्स, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर्स। तो चार अलग अलग पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क एंड स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट है। वन बाई वन कवर करते हैं। इसमें जो है अहमदाबाद असिस्टेंट, सबसे पहले असिस्टेंट के लिए दिया गया, अहमदाबाद में टोटल 26 वैकेंसीज हैं। इसके बाद बेंगलुरु में 125 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट के लिए, फिलहाल असिस्टेंट काम कवर करें। कैटेगरी वाइज भी डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। तो असिस्टेंट अहमदाबाद में, मतलब गुजरात में 26 वैकेंसीज हैं, क्योंकि इसरो के जहां जहां यूनिट है। बेंगलुरु में 125 वैकेंसीज हैं। इसके बाद हासन में 16 वैकेंसीज हैं, हैदराबाद में 35 वैकेंसीज है, श्रीहरिकोटा में 54 वैकेंसीज है, त्रिवनंतपुरम में 83 टोटल वैकेंसीज है। टोटल 339 वैकेंसीज सिर्फ असिस्टेंट के लिए है, असिस्टेंट पोस्ट के लिए सिर्फ 339 वैकेंसीज है। और ये सब जो है तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, हैदराबाद, हासन, ये सभी क्या है, ये सभी इसके जो यूनिट्स अलग अलग जगह पे ऑल इंडिया लेवल पे फैले हुए। तो यही सब है, बेंगलुरु, अहमदाबाद, यहाँ पर इनके यूनिट्स है। अब दूसरी जो पोस्ट है वो है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अहमदाबाद में सीट्स कम दिख रहे हैं, लेकिन अराउंड 5 पोस्ट है टोटल। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 60 वैकेंसीज हैं, हासन में 1 वैकेंसी है सिर्फ, हैदराबाद में टोटल 16 वैकेंसीज हैं, इसके अलावा दिल्ली में 2 वैकेंसी, श्रीहरिकोटा में 24 वैकेंसीज हैं और तिरुवनंतपुरम में तो टोटल 153 वैकेंसीज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल 153 वैकेंसीज हैं जूनियर असिस्टेंट, ऐसी कुछ पोस्ट थी ना जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, टोटल 153 पोस्ट है। इसके बाद है अपर डिवीजन क्लर्क, इन सब की पोस्ट थोड़ी कम कम है, तो सिर्फ बैंगलोर में है 16 वैकेंसीज। स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ बैंगलोर में 14 वैकेंसीज, तो कुल मिला के 550 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। इसके बाद और असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, तो कुछ और वैकेंसीज अलग से भी डिस्कस की गई है, ये भी चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच करने के बाद ही आगे एज क्राइटेरिया देखेंगे और एज क्राइटेरिया के बाद फिर बाकी की चीजें, जैसे सिलेक्शन कैसी होगी, फीस कैसे है वगैरह। जॉब लोकेशन आपने देख ली, इसरो के जहां जहां यूनिट्स हैं वहां वहीं जॉब रहेगा। ग्रेजुएशन होनी चाहिए सबसे पहले, जो पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 है, मतलब अपर डिवीजन क्लर्क और असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट्स के लिए पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 के लिए, 1, 3 और 5 के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट, 60% मार्क्स, या फिर अगर 10 पॉइंट स्केल पर आपको रिजल्ट मिला है तो इक्विवेलेंट 6.32 होना चाहिए, 60% मार्क्स या अबव मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपने की हुई है। और साथ में अगर कंप्यूटर यूज करने की प्रोफिशिएंसी है तो इतना ही मांगा जा रहा है। एंड प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर, प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर मतलब कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ जो है ग्रेजुएट होना होगा
किसी भी सब्जेक्ट से 60% या अबव मार्क्स के साथ में, और इसके बाद जो है कंप्यूटर्स आना चाहिए। कौन कौन से पोस्ट के लिए, 1, 3 एंड 5। तो फिर से हम चेक कर लेते हैं पोस्ट नंबर 1 क्या है, पोस्ट नंबर 3 एंड 5 क्या है। तो पोस्ट नंबर 1 मतलब असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना होगा 60% एंड अबव मार्क्स के साथ में। पोस्ट नंबर 1 के बाद पोस्ट नंबर 3 मतलब अपर डिवीजन क्लर्क के लिए भी सेम है। और पोस्ट नंबर 5 मतलब यहाँ पर कुछ लिखा है असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस। तो ये 5, तो 1, 3 एंड 5 के लिए ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट 60% या अबव मार्क्स के साथ में। उसके बाद जो पोस्ट है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर की, पोस्ट नंबर 2, 4 एंड 6 के लिए, इसके लिए भी 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट होनी चाहिए। या फिर दूसरा भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर ग्रेजुएशन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है कि डिप्लोमा अगर है कॉमर्शियल या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में विद मिनिमम 60% मार्क्स, 60% या अबव मार्क्स के साथ में डिप्लोमा इन कॉमर्शियल या सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन क्योंकि स्टेनोग्राफी है इसलिए इसमें और भी चीजें मांगी गई है। 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर। एज स्टेनोग्राफर 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए एंड मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। तो स्टेनोग्राफी के 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो पोस्ट नंबर 2, 4 एंड 6 है इसमें फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकेंगे, 1 ईयर की एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर चाहिए। बाकी ये जो पोस्ट नंबर 1, 3 एंड 5 है विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। यदि स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए सीजीपीए या प्रतिशत ऐसा कुछ लिखा यहाँ पर देख लें, इज मेंशन सेपरेटली इन द ड्यूएल इंटीग्रेटेड, तो आपका ड्यूएल या इंटीग्रेटेड है तो इस कोर्स आपने किया, तो यहाँ पर देख लें क्या इसके बारे में मेंशन किया। अभी सीधे हम चलेंगे एज क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट है एज में। जनरल कैटेगरी के लिए 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 9 जनवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेट कर लें। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 31 ईयर्स अपर एज लिमिट है। जो भी एज कैलकुलेट करेंगे 9 जनवरी 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स अपर एज लिमिट होने वाली है। अभी देखेंगे कि इसकी जो पे स्केल वगैरह है वो कैसी है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाली है, ये सारी चीजें। ऑनलाइन पेमेंट कैसे करनी है, नेट बैंकिंग से करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर बैंक्स, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर बताए गए हैं। ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। और फीस कितनी है, ऑल वेमेन SC ST एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल फीमेल कैंडिडेट, ऑल SC ऑल ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है, नो फी, नो एप्लीकेशन फी। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए फी कितनी है वो चेक कर लेते हैं। बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी, तो 100 रुपया नॉन रिफंडेबल फी रहेगी। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है, वो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा और क्या प्रोसेस, लास्ट डेट क्या है। कौशल परीक्षा के पहले क्वालिफाइंग मांग, रिटर्न एग्जाम है पोस्ट नंबर 1, 3 एंड 5 के लिए, रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न टेस्ट है 120 मिनट्स का। और पोस्ट नंबर 2, 4 एंड 6 के लिए भी रिटर्न टेस्ट रहेगा 120 मिनट्स के लिए। सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर विद ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। सिलेबस दे दिया, पैटर्न दे दिया, नेक्स्ट ईयर 1 में मतलब नीचे दिया गया है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया है, 50% मार्क्स रहेगा तो क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई होंगे तो फिर स्किल टेस्ट होगी। स्किल टेस्ट के लिए 1:5 रेशियो में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इस स्किल टेस्ट में जो जिसमें कंप्यूटर स्किल वगैरह मांगी गई है तो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा, बाकी जिसमें स्टेनोग्राफी की मांगी गई है तो स्टेनोग्राफी की स्किल टेस्ट होगी या कंप्यूटर लिटरेसी के लिए हो सकती है। और फिर इसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन टेस्ट फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई फिर फाइनली हो जाएंगे उन उन कैंडिडेट्स का रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे फाइनल जो है सिलेक्शन होगी। तो मेन तो आपका मेन रिटन टेस्ट ही है। उसके बाद वेतन एंड भत्ते के बारे में अभी लिखा गया है कि पे एंड अलाउंसेस दिया जाएगा। पे लेवल 4 रहेगा, विल बी पेड अ बेसिक ऑफ रुपीज 25,500 पर मंथ।
प्लस डीएनएस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, ये बेसिक पे है। प्लस में डीएनएस अलावेंस मीन्स महंगाई भत्ता, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये सारे अलावेंसेस दिए जाएंगे। लीव, ट्रैवल कंसेशन, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सारी चीज दी जाएगी। न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन भी दी जाएगी। तो काफी सारी बेनिफिट्स है, मिला के सैलरी 40-45,000 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनेक्जियर वन में नीचे सिलेबस वगैरह दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू होगी 20 दिसंबर से, 28 दिसंबर मतलब आज से ही, और 9 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 9 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आना है। और यहाँ ऊपर देखिए करियर है, या नीचे भी मैंने कहीं देखा था करियर लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही तो, या मैंने नीचे सबसे नीचे स्क्रॉल किया, ये करियर सेक्शन मिला, इस पर क्लिक करते एक बार। तो जैसे करियर पे आप क्लिक करते हैं तो करियर्स में फर्स्ट आता है अबाउट करेंट अपॉर्चुनिटीज, इस पर एक बार क्लिक करना है। अबाउट करेंट अपॉर्चुनिटीज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे चले आए, इसमें यहाँ पर है एडवर्टीजमेंट नंबर इसरो, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, लास्ट डेट इज 9 जनवरी 2023। तो ये एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड कर लेनी है, और यहीं पर कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी होगी तो आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। इस तरीके से रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।